दोस्तों महाराष्ट्र में इन दिनों बैग चेकिंग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। पहले उद्धव ठाकरे को एक बार नहीं बल्कि दो बार रोका गया, उनके बैग चेकिंग की गई, जिसका एक वीडियो खुद उद्धव ठाकरे ने बनाया और उनकी आवाज सुनाई दे रही है और वो सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल हुआ कि तमाम पब्लिकेशन के साथ साथ महाराष्ट्र के पूरी जनता तक वो वीडियो पहुंच गया। अब उसी का असर है कि अब बाकी नेताओं के भी बैग चेकिंग के वीडियो सामने आने लगे। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्यों सियासी घमासान जो है वो बैग चेकिंग को लेकर के हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर मचा हुआ है, बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी तमाम जो महाराष्ट्र के प्रमुख नेता हैं वो चुनावों के सिलसिले में, प्रचार प्रसार के सिलसिले में एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, जहां पर वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। एक एक दिन में तीन तीन दो दो चार चार रैलियां हो रही हैं। अब इन सबके बीच उद्धव ठाकरे की बैग चेकिंग की गई, जिसका वीडियो खुद उद्धव ठाकरे ने बनाया, उनके ऑडियो जो वो बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, वो भी सुनाई दे रहा है। ए बीच में मत आओ, जरा बाजू, बैग उघडली तर उघडा नंतर मी उघडतो तुम्हाला। आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब, माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी आहे। खालून पण बघा ते कुठल्या नोकरी देत, कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या। हा ते पण उघडा 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 उघडा। काय पाहिजे असेल तर घ्या, तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसं आहात। फ्युएलची टाकी वगैरे काय? ठीक आहे, मला मोदी आणि अमित शहाचं बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी। हो साहेब, नक्की साहेब। तुझा काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना। माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? विजय पटले। विजय पटले, कुठे राहता? एमपी? गुजरातचे नाहीत ना? हा चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत। धन्यवाद। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया और खूब जमकर वायरल हुआ। और अब बात हुई इलेक्शन कमीशन को लेकर कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपोजिशन के नेताओं के ही बैग चेक करता है या फिर जो सत्ता में बैठे नेता हैं उनके भी बैग चेकिंग होती है। ये सवाल जो है वो महाराष्ट्र के तमाम सियासी गलियारों में और जनता के बीच में घूमने लगा। इन सबके बीच हमने देखा कि फिर वीडियो आता है सीएम एकनाथ शिंदे की बैग चेकिंग का, जहां सीएम खड़े हैं और उनका वीडियो है वो, और वहां पर उनका बैग चेकिंग, उनकी हेलीकॉप्टर की चेकिंग की जा रही है। दूसरा वीडियो आता है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का, जहां उनके भी सामान की जो है तलाशी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है। उसके बाद फिर एक वीडियो आता है जिसमें गोवा के चीफ मिनिस्टर जो है वो मिस्टर प्रमोद, वो आए हुए हैं मुंबई चुनाव प्रचार के लिए, उनकी बैग की चेकिंग की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। तो एक तरफ अपोजिशन वीडियो जब उन्होंने बनाया, तो जब उन्होंने वीडियो पोस्ट किया तो एक मैसेज कन्वे हुआ कि क्यों इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपोजिशन के नेताओं का बैग चेक कर रहा है, ऐसा वीडियो पहले किसी सत्ताधारी जो नेता है उनका क्यों नहीं आया, क्या उनका बैग चेकिंग नहीं किया जा रहा, ये सवाल खड़े होने लगे। अब उसके जवाब में कि ये चीजें ज्यादा ना फैले, हमने देखा कि अब महायुति यानी एनडीए गठबंधन के नेता भी उनके जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और ये इसको लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पहले ही इलेक्शन कमीशन पे कई सवाल खड़े होते रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में हमने देखा किस तरीके से जब चुनाव हुए तो उस चुनावों के बाद कितने सारे सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन पे खड़े हुए, चुनाव आयोग को लेकर के तमाम बातें कही गई, और उसी को देख करके ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी अगर उद्धव ठाकरे का बैग चेक हुआ है तो क्यों सिर्फ उद्धव ठाकरे का चेक हो रहा है, क्यों बाकी नेताओं का नहीं हो रहा, जो बाकी के जो आला दर्जे के जो मंत्री हैं उनके बैग चेकिंग क्यों नहीं हुए। उसी के सवालों का जवाब देते हुए तमाम वीडियोज एनडीए की तरफ से आए, क्योंकि ये बात एनडीए के नेता बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में नैरेटिव सेट करने की जो एक कोशिश की जाती है, चाहे वो एनडीए की तरफ से चाहे एनडीए की तरफ से, वो बहुत ज्यादा घातक हो सकती है अगर वो सही तरीके से जनता तक पहुंच गई तो। और हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने जो वीडियो शेयर किया था वो रातों रात वायरल हुआ और उस पर तमाम लोगों ने अपना रिएक्शन प्रतिक्रिया देनी शुरू की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे पहले ही सवाल खड़े होते रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो आते ही तमाम सवाल फिर से पूछे जाने लगे। और इससे पहले कि ये बात तूल पकड़े,
ये बात इस तरीके से हावी हो जाए कि कहीं वोटों का नुकसान न पहुंचे महायुति एनडीए को, कहीं 20 तारीख को जब जनता वोट करने उतरे तो इन मामलों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं उनका जो वोट है वो कहीं एनडीए को न चला जाए, तो उसी का तोड़ निकालते हुए अब महायुति के नेता जो एनडीए के नेता उनके भी बैग चेकिंग की वीडियो जो है अब घूम रहे हैं। तो महाराष्ट्र के सियासत में बयानबाजी एक तरफ, एक दूसरे पे हमला एक तरफ, लेकिन ये जो बैग चेकिंग और हेलीकॉप्टर की जो चेकिंग है, इस चेकिंग को लेकर के जो मसला चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है वो एक तरफ। तो यानी बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे ये जो वीडियो बना करके शेयर करने का जो चलन, अभी आप देखिए कई नेताओं के भी वीडियो आने वाले होंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेज जो है वो देने हैं जनता को, क्योंकि 20 तारीख दूर नहीं है, महज 3 से 4 दिनों का इलेक्शन कैंपेन और रह गया, 18 तारीख के बाद चुनाव जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा, और क्योंकि 20 तारीख को जनता वोट करने उतरेगी उससे पहले कोई कसर कोई जनता जो है कोई पार्टी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है, और इसीलिए ये सारी कवायद देखने को मिल रही है। हालांकि ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे ने जब वीडियो शेयर किया था उसके बाद बहुत सारे जो पब्लिक है, जो जनता है, उनका सपोर्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिला, और शायद यही वजह है कि एनडीए के नेता तुरंत जागे और उन्होंने इसका आंसर देने की कोशिश की अपने बैक चेकिंग करवा करके, या कुछ और जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो अपने हिसाब से उन्होंने देने की कोशिश की। तो देखते हैं कि अभी ये जो तमाम कवायद है कहां तक जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर, तब तक आप देखते रहिए 4 PM। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।